Girls hostel. विनय हाथ लगाना भाई, हाथ लगाना, हाथ डन भाई, एक सेकंड एक सेकंड ले आना अरे अभी कितना है एक बहुत ताज़ा है एंड आई एम सो एक्साइटेड टू वॉच दिस बिकॉज़ द टीज़र इज सो गुड सो आई एम वेरी एक्साइटेड गर्ल्स हॉस्टल भी ताज़ा है एज ताज़ा खबर सो इट वाज गुड एक्सपीरियंस ओनली आई मीन इट्स गुड टू वर्क विद सो मेनी गर्ल्स एंड टू मेक समथिंग something that everybody loves. Thank you. Yeah. Thank you. Happy New Year. Bye bye. मैम थोड़ा सा आ गया, मैम थोड़ा सा आ गया, ये गिर जाएगा. हाँ मैं ट्रेलर जब से देखा तब से बहुत एक्साइटेड हूँ और जब शूट शुरू होने वाला था तब भी भुवन के साथ कुछ और शूट करी थी तो तैयारियाँ चल रही थी, कुछ कुछ बात चल रही थी उनकी, सो मैं सुन ओवर हियर कर रही थी तो मैं बड़ी एक्साइटेड हो रही थी. उन्होंने बताया कि एनसेंबल कास्ट है, बहुत मेहनत चल रही है, बहुत लिखाई पे बहुत मेहनत चल रही है, तो मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ कि क्या बनाया है उन्होंने, क्योंकि ये एक टीम है, एक टीम ऑफ आर्टिस्ट है जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और बहुत लुक फॉरवर्ड करती हूँ उनके काम को. तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि मिस ना हो जाए मेरा शो. एक्चुअली 2022 मैंने पूरा शूट करने में निकाली है बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें, तो 2023 मेरा अब रिलीज़ लाइंड अप है काफ़ी सारे, तो वो एक जो आर्टिस्ट के लिए एक एक्साइटमेंट होती है रिलीज़ वाली वो अलग ही होती है. तो जैसे ही जनवरी चढ़ा है मेरे दिमाग में यही आ रहा है कि मेरा ये कब रिलीज़ होगा, मेरा वो कब रिलीज़ होगा, मैं कब अनाउंस करूँगी, मैं कब कहीं जाकर उस बारे में बात करूँगी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं अनाउंस नहीं कर सकती, मेरे सर पर आ जाएगा वो. तो समडे सून आई विल टेल यू. थैंक यू. हाँ जी सर. अरे भाई कैसा करेगा तू भी समझ ना. जाकिर भाई सब लौंडा अब चेंज हो गया भाई. हाँ एक से ना जाकिर भाई. जाकिर जी
पहले जो ताज़ा खबर के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, किस तरह का ट्रेलर आपको लगा है? मुझे ट्रेलर बहुत इंटरेस्टिंग लगा, मुझे ये शो जब बना नहीं था, लिखा जा रहा था, तब से मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ। हुसैन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और भुवन मेरा छोटा भाई है, तो ये बनने से पहले, कमीशन होने से पहले इसकी कहानी और इसके पीछे कितनी मेहनत है वो मुझे मालूम है। और क्योंकि भुवन के किरदार के बारे में कितने ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, काफ़ी डिफरेंट किरदार लग रहा है। हाँ हाँ, क्योंकि ढिंडोरा में वो भुवन वही कैरेक्टर्स प्ले कर रहा था जो वो ऑलरेडी कर रहे हैं, ये अलग है। एंड आई थिंक ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड एक्टर एंड आई थिंक दिस इज द शो वेयर एवरीबॉडी विल रियलाइज दैट ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर। जागीर जी, जो आपका हाल ही में शो गया, इतनी सारी रील्स बनी है उसमें, इतनी सारी बातें थी, चीज़ें की सीखने लायक, इतना प्यार मिलता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? थैंक यू बोलना चाहूँगा यार, अपना बोल तो जैसा हो जाए बढ़िया ही रहता। आने वाले समय में क्या कुछ है लाइनअप, कुछ अगर आप बताना चल रहा है? ताज़ा खबर देखने आया हूँ मैं, यही सबसे बड़ा लाइनअप है, आज का शाम का हो जाए वही लाइनअप है यार, बाकी ज़िंदगी किसने देखी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है एक्चुअली, वी आर सुपर एक्साइटेड फॉर दिस डे, बट वी वोंट श्योर दैट वी आर गोना मेक इट, बट नाउ वी आर फाइनली हियर एंड वी आर एक्साइटेड टू मीट भुवन नाउ यार, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस, इट्स लाइक वी आर रियली एक्साइटेड टू वॉच ताज़ा खबर, ऑल द वेरी बेस्ट, या ऑल द वेरी बेस्ट। काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवमेंट लगा ट्रेलर देखने के बाद, ट्रेलर देखने के बाद आई थिंक सारे मोमेंट्स अपने आप में बेस्ट है, मैं तो सारे मोमेंट्स बैठ के बस एंजॉय कर रही हूं, इट्स अमेजिंग, इट्स लाइक फैबुलस। हमारा ऑन गोइंग ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट चल रहा है दंगल विद भारती मैम एंड हर्ष भैया, द नेम ऑफ फवारा चौक, इट्स ऑलरेडी स्ट्रीमिंग, आप जाके देख सकते हैं, प्लीज शो योर लव, एंड और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम आपको बताते रहेंगे। Let's really not talk about this. No, actually, let's not talk about it. कोई बात ही नहीं कर पाएंगे इस बारे में। She was a sweetheart. I just want to say this. Rest in peace, Sunisha. मैं इस बारे में आया हूँ। No comments. No comments. So sorry about it. Let's talk about Taza Khabar. उसके बारे में कोई सवाल है तो आप पूछिए। Thank you. Thank you so much. I want to say that I'm very, very excited and I'm here to support.
एंड शावर लॉट्स ऑफ लव. आई थिंक इट्स गोना बी एन अमेजिंग मूवी. एंड हमें पता है कि धूम इतना इतना टैलेंटेड है, मतलब उसमें कोट कोट के टैलेंट भरा है. एंड उसे बहुत स्ट्रगल की है एंड लोग बहुत उससे प्यार करते हैं. तो आई होप वो इस मूवी को भी उतना ही प्यार दे एंड ही शाइन्स रियली ब्राइट. अरे तो मुझे मूवी देखने के बाद पता चलेगा. मैं अभी तक क्रिसमस से बाहर ही नहीं निकली. मैं अभी भी क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही हूँ और आई जस्ट वांटेड टू बी कैजुअल. तो मैं बस ऐसे कोई रियलिटी शो नहीं देख रही मैं अभी. आई एम फोकसिंग ऑन माई सेल्फ एंड आई विल व्हेनेवर आई वॉच बिग बॉस आई विल लेट यू नो माई व्यूज. जब आएगा तब सबसे पहले आप लोगों को बताऊँगा. कुछ हिंट की बस इंतजार करो. इफ एनीथिंग यू वुड बी द फर्स्ट वन टू नो. थैंक यू. वो थोड़ा कॉन्सेप्ट ही ऐसा है एक्चुअली. जैकेट भी थोड़ा सा ताज़ा खबर की है, देखो इधर देख सकते. और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि जैन के फर्स्ट वीक में आ रही है मेरी जो कोई हिट फिल्म्स है, मतलब पहली टाइम पास, बालक पालक, वो दोनों जैन के फर्स्ट वीक में आई थी और ताज़ा खबर भी आई है. और टाइम पास हो गई, टकाटक हो गई, उसका नाम टी से शुरू होता है ना, और ताज़ा खबर भी टी से शुरू हो रही है. तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी तभी भी क्योंकि मैं लीड रोल कर रहा था, लेकिन तभी मुझे लगा नहीं था कि इतनी बड़ी हिट हो जाएगी. बस हमने अपना अपना काम किया था, बहुत प्यार से किया था. और तब जब लोगों को ऐसा लगा कि ये भी हीरो बन सकता है, तो मराठी लड़कों में बहुत ज़्यादा उत्साह आया था. और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग दगड़ू के वजह से, मतलब मेरा जो कैरेक्टर था टाइम पास में, वो मुंबई में आए स्ट्रगल करने के लिए, तो अगर दगड़ू कुछ कर सकता है तो वो भी कुछ कर सकता है, ऐसे लोगों को लगा. अब ताज़ा खबर में भी वैसे ही कैरेक्टर है पीटर नाम का और लोगों को अच्छा लगे. नहीं मैंने देखी नहीं है, लेकिन मैं देखूंगा अभी ये नेक्स्ट वीक में, और मुझे देखनी है डेफिनेटली. और मेरी जो पहली फिल्म थी वो रितेश दादा के साथ थी, बालक पालक उसने प्रोड्यूस की थी, तो बहुत प्यारा नाता है हम दोनों का भी. और वेड के लिए बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन दोनों को भी, रितेश दादा जनरली, अजय अतुल का म्यूज़िक है और सलमान खान का डांस बहुत अच्छा लगा, वेड लागले सो क्लास. और मुझे ऐसा लगता है कि वन ऑफ द हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म होगी इस ईयर की. बहुत फ़र्क है क्योंकि ये बहुत ही मुँहफट इंसान है, दगड़ू उतना मुँहफट नहीं था. और बहुत, मतलब वत्सा के साथ जो इसकी बॉन्डिंग है वो, मतलब मुंबई में जो लोग होते हैं कि एक दूसरे से बिल्कुल भी रिस्पेक्ट से बात नहीं करते तभी अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, तो वैसी बॉन्डिंग है वत्सा से. और बहुत अलग कैरेक्टर है, बातों बातों में थोड़े बैड वर्ड्स भी बोलता है, तो थोड़ा संभाल के, लेकिन अच्छा लगेगा आपको, बैड वर्ड्स भी प्यारे लगेंगे. खूब भारी वाटते है, 10 वर्ष पूर्ण झालेली आणि अशीच वर्ष पूर्ण होत राहोत आणि असंच प्रेम मिळत राहो. 10 वर्षात जवळजवळ 5 ते 6 सिनेमे हिट दिले आहेत. आता 10 वर्षानंतर OTT वर डेब्यू होतो आहे, सो प्रेक्षकांनी, मराठी प्रेक्षकांनी, भारतातल्या प्रेक्षकांनी, जगभरातल्या प्रेक्षकांनी तसंच प्रेम करावं. थँक्यू तुम्हाला.